नमस्कार। आप क्रोनोलॉजी समझिए। याद है, एक राजनीति के समझदार आदमी ने एक बात समझाई थी देश को, और उसके बाद से हम पूछने लग गए हैं हर चीज की क्रोनोलॉजी। आज राहुल गांधी को जब लोकसभा की सदस्यता से रद्द करके बाहर निकाला गया है, तो उस वक्त सवाल उठता है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी समझ आ जाए तो फिर आप सेफोलॉजी, यानी कि चुनावी विद्या, इसका चुनावी गणित समझिए, और वो समझ आ जाए तो उसके पीछे की साइकोलॉजी, एक मानसिक विद्या जो है, जो मानस काम कर रहा है, उसे भी समझिए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी वाले बड़ी मासूमियत से आज कह रहे हैं कि भाई देखो हम क्या करें। भाई कोई केस चल रहा था गुजरात में, उसमें एक मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दे दिया, अब इसमें हमारा क्या मतलब। बोला राहुल गांधी ने, एक व्यक्ति ने मुकदमा किया, जज साहब ने उस पर फैसला सुनाया। अब फैसला जब आ गया और 2 साल की सजा मिल गई, तो भाई कानून में लिखा हुआ है कि 2 साल की सजा जिस एमपी को मिल जाएगी उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब इसमें हमें बीच में क्यों घसीट रहे हो? ये तो संयोग है, ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं क्रोनोलॉजी समझिए। इसे जो मासूमियत से बात बताई जा रही है, उसमें कितनी बातें छुपाई जा रही हैं, ये आपको मुझे समझना होगा। जो देश की राजनीति को समझते हैं और हमारे लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है उसे समझते हैं, उन्हें इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा। इसलिए मैं बता दूं आपको कि केस में हुआ क्या था। जैसा अब तक सब लोगों को पता है, ये सारा मामला शुरू हुआ था 2019 के चुनाव के वक्त, जबकि 13 अप्रैल को 2019 के चुनाव में कर्नाटका में जाके राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था 13 अप्रैल को कर्नाटका के कोलार में, जहां उन्होंने मोदी नाम पर एक तंज कसा था कि भाई ये जो सारे लोग हैं, ये नीरव मोदी और ललित मोदी और अलग अलग मोदी का नाम लेके, उन्होंने कहा ये सारे मोदी क्यों होते हैं। तंज एक राजनीतिक था, इशारा नरेंद्र मोदी जी पे था। आप कह सकते हैं कि तंज था, आप कह सकते हैं व्यंग में था, आप कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा तीखा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो समझिए। 16 अप्रैल को बीजेपी के एक विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने शिकायत दायर की इसके बारे में कि ये तो डेफिमेशन है, ये तो मेरे समुदाय का अपमान है। एक इसके बारे में अखबारों में बातें उड़ाई जा रही हैं कि ये ओबीसी समाज का अपमान है। ऐसा कुछ नहीं है, जो पूर्णेश जी हैं इन्होंने खुद अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो ओबीसी नहीं है। खैर ये बात तो दिगर है। 2 मई को इसकी एफआईआर दायर हो गई, मजिस्ट्रेट के कहने पर दायर हुई, आप कह सकते हैं जुडिशियल प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद मुकदमा चालू होता है। मुकदमा जब चलता है तो उस वक्त ये पूर्णेश मोदी जी कहते हैं कि जब जब इसकी सुनवाई हो, आदेश होना चाहिए कि राहुल गांधी हर बार हाजिर हो। उस वक्त इस मुकदमे की सुनवाई जो जज साहब कर रहे हैं, वो जज साहब कहते हैं ना इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, हर बार राहुल गांधी को यहां बुलाया जाए, इसका आदेश मैं नहीं दूंगा। तो बात बन नहीं रही थी, तो पूर्णेश जी गए हाई कोर्ट और कहा कि नहीं, इस मुकदमे की सुनवाई को रोका जाए। याद रखिए, पूर्णेश मोदी स्वयं शिकायत करता है, स्वयं उनका मुकदमा है, और वो खुद हाई कोर्ट में जाते हैं। ये जाते हैं 2022 में, 7 मार्च को पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि इस मुकदमे की जो सुनवाई हो रही है उसको रोक दिया जाए। हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देता है, क्या सोच के देता है पता नहीं, पर हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है कि इसकी कार्यवाही को वहां रोक दिया जाए। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और जैसा कोर्ट में आमतौर पे होता है, एक बार मामला रुक जाए फिर उसके बाद सालों में पता नहीं कब नंबर आता है, सब कुछ रुका हुआ पड़ा है, रुका हुआ फैसला जिसको कहा जाता है। फिर अचानक मामला चलता है, और चलता नहीं है, घोड़े की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है। क्या होता है, याद रखिए, 7 फरवरी को राहुल गांधी लोकसभा में एक भाषण देते हैं जिसमें अदानी का नाम लेते हैं। भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब है, लेकिन पूरा हमला सीधा अदानी पे है, और कोई व्यक्ति, देश का एक बड़ा राजनीतिक नेता, खुल के अदानी का नाम लेके हमला करता है।
बस वही मामला बदल जाता है। उसके बाद ये जो शिकायतकर्ता जी हैं ये हाईकोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि ना ना स्टे की जरूरत नहीं है, मेरा स्टे वापस ले लिया जाए। हाईकोर्ट स्टे उठा देता है जो उसका। तो 7 फरवरी को राहुल गांधी बोलते हैं, 16 फरवरी को वो जाते हैं तुरंत अगले ही हफ्ते कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर हटा देता है। बाकी इसकी तफसील में जा सकते हैं, कोर्ट क्या सोच के करता है इत्यादि इत्यादि। 27 फरवरी को इसकी दोबारा सुनवाई शुरू हो जाती है। अद्भुत बात नहीं है, आमतौर पे इस देश में किसी भी मुकदमे की सुनवाई होने में, दोबारा होने में पता नहीं सालों साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 दिन के भीतर भीतर सुनवाई शुरू हो जाती है। और सिर्फ सुनवाई शुरू नहीं होती, उस वक्त एक नए जज आ चुके हैं, HH वर्मा जी। जज साहब का हाल ही में प्रमोशन की घोषणा हुई है, कोई आप कह सकते हैं असामान्य है, आप कह सकते हैं सामान्य है। और मैं नहीं कह रहा कि उस जजमेंट का उनकी प्रमोशन से कोई संबंध है, हम नहीं जानते। लेकिन अरुण जेटली जी ने एक बार लोकसभा में कहा था कि जजों का जो जजमेंट होता है और वो जजमेंट देने से पहले बाद में उनके कैरियर के बारे में जो कुछ हो रहा होता है, इन दोनों में कुछ संबंध हो सकता है, ऐसी बात उन्होंने कही थी, इसलिए मैंने सोचा जिक्र कर दूं। तो नए जज साहब आते हैं, 27 फरवरी को जज साहब केस को नया सुनना शुरू करते हैं और 23 मार्च को फैसला हो जाता है। एक महीने के अंदर मामले की सुनवाई हो जाती है, फैसला हो जाता है और फैसले में राहुल गांधी को दोषी माना जाता है, जज साहब का जजमेंट है। सिर्फ दोषी नहीं माना जाता, इस मामले में जो मैक्सिमम संभव दंड है कानून के तहत, जज साहब वो मैक्सिमम संभव दंड देते हैं, यानी कि 2 साल की सजा देते हैं। और ये जैसे ही आता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा सचिवालय इसका संज्ञान लेते हुए कहता है कि अब तो आपकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा किसी को क्रिमिनल मामले में मिलती है तो यानी कि मान लिया जाता है कि वो जो सांसद है वो अपराधी है और अपराधी लोग इस देश में संसद के सदस्य नहीं रह सकते, उनकी सदस्यता खारिज हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम खारिज कर देते। इस क्रोनोलॉजी से 4 सवाल उठते हैं जो आपको, हमको, इस देश के लोकतंत्र पे चिंता करने वाले हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। पहला कि ये जो केस ठंडे बस्ते में चला गया था वो अचानक कैसे वापस आ गया? जज साहब की मैं बात नहीं कर रहा यार, मैं तो शिकायतकर्ता की कर रहा हूं कि जो 1 साल से केस रुका हुआ था, किसी को कोई चिंता नहीं थी, अचानक कैसे चिंता हुई कि नहीं साहब स्टे की जरूरत नहीं है, वापस लाइए, केस को करवाएंगे। तब तक जज बदल चुके हैं, उन्हें भी पता है कि जज बदल चुके हैं। दूसरा, नए जज साहब ने मामले को सुनने में इतनी तत्परता क्यों सुनाई? अब देखिए, जज साहब तत्परता करें इस पे शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, आमतौर पे तो हम उम्मीद करते हैं कि तत्परता हो। मैं खुद बताता हूं, मेरे खिलाफ एक डेफिमेशन, ऐसे एक क्रिमिनल डेफिमेशन केस हुआ था, 8 साल तक चला, बाद में बरी किया और मुझे लगा कि साहब सजा तो जो मिलनी थी वो तो मिल गई। 8 साल तक घिसता, बावजूद इसके कि उसमें भी VIP इन्वॉल्व थे, उस केस में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व थे, उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व थे, तो MLA MP वाला जो मामला तेजी से निपटना चाहिए, वो सब होने के बावजूद भी 8 साल लगे। सुनवाई में कितने साल, महीनों तक सुनवाई चली उसकी, लेकिन साहब इसमें इतनी तत्परता, 1 महीने के अंदर केस को सुन लिया गया। उससे भी ज्यादा अभूतपूर्व बात यह है कि राहुल गांधी को इतना अभूतपूर्व दंड मिला। अभूतपूर्व मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सजा आने के बाद मैंने 3 4 सबसे वरिष्ठ कानूनविदों से पूछा, संजय हेगड़े साहब हैं, लोग बहुत वरिष्ठ देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो ध्यान नहीं आता कहीं पे ऐसा किसी को ऐसा मिला हो। मैंने देश के भूतपूर्व लॉ मिनिस्टर अश्विन कुमार जी, जो आजकल कांग्रेस के साथ नहीं है, उनसे पूछा कि क्या आपको ध्यान है किसी को भी ऐसा मिला हो? दंड डेफेमेशन के मामले में 2 साल की सजा किसी को मिली हो आपको ध्यान आता है? उन्होंने कहा उन्हें ध्यान नहीं है। मैंने एक और देश के प्रमुख न्यायविद फैजान मुस्तफा साहब, जो कि समझाते रहते हैं कानून के बारे में, उनसे पूछा मैंने कि साहब ये मामला सामान्य है?
उन्होंने कहा कि देखो जब डेफिमेशन का मामला होता है आमतौर पे या तो दंड होता नहीं, या होता है तो सिंबॉलिक सा दंड दिया जाता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने का, 2 साल का दंड तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो मेरे को तो कभी याद नहीं है। अब गारंटी नहीं है, जरूर इस देश के 70 साल के इतिहास में आज तक ऐसा हुआ हो नहीं हुआ हम जानते नहीं है, लेकिन ये हर कोई मानता है कि ये तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, 2 साल की सजा दे देना, कानून के तहत जो मैक्सिमम संभव सजा है वो दे देना, मतलब कि आपने ना सिर्फ डेफिमेशन किया है बल्कि आपका डेफिमेशन का अपराध इतना खराब है, अपना अपराध बिल्कुल इतना संगीन और संगीन तर है कि कानून के तहत जो अधिक से अधिक आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है वही देना पड़ेगा। संयोग की बात यह है कि कानून के अंदर, डेफिमेशन के कानून में जो सर्वाधिक मैक्सिमम पॉसिबल जज पनिशमेंट है वो मिनिमम पॉसिबल पनिशमेंट है जिसके आधार पे आपको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। यानी कि अगर जज साहब 1 साल 11 महीने का दंड भी दे देते तो राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई नहीं किया जा सकता था। तो डेफिमेशन में मैक्सिमम 2 साल है, डिस्क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 2 साल है, तो एग्जैक्टली वही 2 साल का दंड दिया गया। अब दंड देते वक्त जज साहब ने ऐसा सोचा होगा हम नहीं जानते, लेकिन संयोग नहीं है, कितना खूबसूरत संयोग है कि एग्जैक्टली वो 2 साल का पनिशमेंट दिया गया जो किसी को आज तक सुना नहीं है कि दिया गया है। और इस देश के एमपी साहब क्या क्या बातें करते हैं, प्रज्ञा ठाकुर क्या बात करती है, जिनके बारे में मोदी जी ने कहा था इतनी बुरी बात है मैं तो मतलब उनको जीवन भर माफ नहीं कर सकता, और पिछले हफ्ते फिर वो, पिछले महीने फिर वो कर रही है ऐसी बातें। क्या बात करते हैं प्रवेश वर्मा, कैसी बातें करते हैं इनके दूसरे मंत्री, कैसी बात करते हैं अनुराग ठाकुर, कोई डेफिमेशन नहीं है इस देश के। डेफिमेशन छोड़ दीजिए, सीधा सीधा ये तो गैर कानूनी बातें हैं। और कोर्ट क्या कहता है, नहीं अनुराग ठाकुर ने कहते वक्त मुस्कुराए थे, देखो ना वाह क्या बात है। अब जरूरी नहीं, मैं नहीं कह रहा कि गुजरात के एक जज को बाकी देश के बाकी जजों का भी जिम्मेवारी उठानी होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई अगर इस देश के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पूछे तो पूछेगा कि साहब इस देश में कुछ चीजें हैं, आप पूरे एक समुदाय को मारने की धमकी दे सकते हो, आप इस देश के राष्ट्रपिता को खुल के गालियां दे सकते हो, कोई अपमान नहीं, कोई अवमानना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं, लेकिन अगर राहुल गांधी हैं तो आपको सीधा 2 साल की सजा मिलेगी। तो सजा जो है अभूतपूर्व है, और उसके बाद जो हुआ यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी अभूतपूर्व। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो देखिए नॉर्मल प्रोसेस है, जब आपका अगर आपको कोर्ट से सजा मिल जाती है तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन तो होता ही है। नहीं, इसमें दो पेच है। पहला पेच ये है कि संविधान ये कहता है, आर्टिकल 103 कहता है कि अगर कोई सांसद किसी भी कारण से डिस्क्वालिफाई हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसका एक आदेश इशू करना पड़ेगा, और राष्ट्रपति वो आदेश इशू करने से पहले चुनाव आयोग की राय लेगा। कहां राय ली गई, 24 घंटे में हो गया, राष्ट्रपति की राय आई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई ना। दूसरा, इससे पहले जितने भी केसों का हवाला दिया जा रहा है वो सब केस में नोटिस इशू होने से पहले कम से कम 1-1.5 महीने का वक्त हुआ, जजमेंट आने और डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस में महीना 1.5 महीने का समय है। और बीजेपी के एक एमएलए के बारे में जब ऐसा हुआ तो इतना समय हुआ कि वो आराम से हाईकोर्ट गए, अपना जो था कन्विक्शन उसको क्वेश करवा के वापस ले आए ताकि कुछ हुआ ही नहीं एक्शन उनके बारे में। तो अब आप देखिए राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं, किसी को वो भाषण इतना नागवार गुजरता है कि वो सोचता है अच्छा बेटा ये करोगे, अडानी के बारे में बोलोगे, मोदानी बोलोगे, देखो क्या होता है। और उसके बाद देखिए क्या क्या संयोग होने शुरू हो जाते हैं, अचानक हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर हटा लेता है, अचानक केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, नए जज साहब आ जाते हैं, और अचानक वो केस
बिल्कुल फुल स्पीड से रफ्तार से हो जाता है और उस केस का फैसला इतना तेजी से होता है कि राहुल गांधी स्पीच अपनी संसद में देने जिसकी वो मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे को अदानी के बारे में बोलना है, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिल सकता, संसद बंद हो जाती है और संसद खुले उससे पहले इसका जजमेंट भी आ जाता है। कितने विचित्र संयोग है जो कि एक के बाद एक होते जा रहे हैं। और कोई फाइल लेके बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है, मानो उसको पता ही हो पहले से कि ये आने वाला है। आई उधर से जजमेंट आया और इधर से फाइल तैयार हो गई कि अब आप डिस्क्वालिफाई हो गए। सारी एक बहुत सुंदर चीज है ना, इसी को अमित शाह जी ने क्रोनोलॉजी कहा था। आप क्रोनोलॉजी समझिए। अब आपको क्रोनोलॉजी समझ आ गई है तो अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे किससे फॉलोजी क्या है। चुनाव का खेल तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत चिंतित है कि राहुल गांधी 2024 के चुनाव में उम्मीदवार ना बन जाए? क्योंकि याद रखिए कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये राहुल गांधी सिर्फ आज लोकसभा से डिस्क्वालिफाई नहीं हुए हैं, अब उसके 2 साल की सजा होगी और सजा से बाहर आने के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। कौन है जो इतना व्यग्र है कि राहुल गांधी खुद चुनाव ना लड़े? खुद चुनाव नहीं लड़ सकते इसका मतलब प्रधानमंत्री के लिए दावेदार नहीं हो सकते, दावेदार नहीं हो सकते इसका मतलब है विपक्ष के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका संकट हो जाएगा। और फिर कोई स्टेज पे जाके कहेगा अरे इनके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, मोदी के सामने कौन? आप सेफोलॉजी समझिए। और इस सेफोलॉजी के पीछे की एक साइकोलॉजी भी समझिए। साइकोलॉजी ये है कि क्या फर्क पड़ता, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको वो सबक सिखाऊंगा। छोड़िए कोर्ट होंगे, मुकदमे होंगे, 2 4 दिन अखबार वाले बोल लेंगे, 2 4 दिन प्रदर्शन हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है ट्रंप जी ने एक बार अपने अहंकार में कहा था कि अगर मैं वॉशिंगटन की गली पे खड़े होके गोली मार दूं ना किसे, तब भी मेरा एक वोट नहीं हिलेगा। ये वो अहंकार है, ये वो अहंकार है जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं, सत्ता का अहंकार। लगता है क्या कोर्ट कचहरी, क्या ये, क्या मीडिया, क्या कर लेंगे, चें चें कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जिसे मैंने सबक सिखाना है उसको सबक सिखा के रहूं। और लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि जब जब ये अहंकार आया है उस अहंकार का जवाब हुआ। आज सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा सत्ता का अहंकार हो गया है कि कोई रोकने वाला नहीं बचा, कोई पूछने वाला नहीं बचा, या किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है? लोकतंत्र दिखाता है कि ऐसी बात से हमेशा एक संकल्प निकला है। जब सत्ता में बैठे लोगों को लगा है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, तब अचानक सड़क पे कुछ लोग उतर आए वो सवाल पूछने। राहुल गांधी संसद में नहीं रहेंगे, मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है, सड़क पे उतरे। वैसे भी पिछले 8 साल से इस देश में विपक्ष संसद में नहीं, सड़क पे रहा है। और अगर ऐसे में राहुल गांधी संसद से बाहर सड़क पे आते हैं तो मैं समझता हूं राहुल गांधी का इस अवसर का और इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत किया जाना चाहिए। और इस स्वागत में सबसे सुंदर बात आज कही हमारे साथी राजीव ध्यानी ने। जैसे ही एक खबर आई उसके शायद आध पौन घंटे के अंदर उन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि ये क्या है। वो कहते हैं मामला मोदी सरनेम का नहीं है, मामला गांधी सरनेम का है। और उससे क्या सबक मिलता है, आप खुद राजीव ध्यानी जी की आवाज में सुनिए, उनकी बात सुनिए। जैसा मैंने कहा, इससे सुंदर, इससे सटीक और इससे ताकतवर कोई बात हो नहीं सकती जो राजीव ध्यानी जी ने कही। तो आप भी बस चाचा प्रणाम क्रोन। अलैकुम। हाँ नवरात्रि मुबारक और रमजान की शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ भगवती आपकी इबादत कबूल करे और रमजान के पवित्र महीने में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो, आप पे अल्लाह की कृपा हो। कर क्या रहे थे? कुछ नहीं, गाना गा रहे थे।
भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। अरे खबर ये है कि राहुल गांधी के सर से संसद जाने की जिम्मेदारी भी हट गई। हाँ, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई है। नहीं, वो स्पीकर साहब बहुत जल्दी में थे। हाँ, एक लड़का गा रहा था सुबह, वाह वाह स्पीकर जी क्या फुर्ती है दिखाई, मोदी और अदाणी को बधाई है बधाई। अब राहुल गांधी क्या करेंगे? वही करेंगे जो करना चाहते हैं, यात्रा करेंगे। यात्रा से क्या करेंगे? यात्रा से जानेंगे, जगाएंगे, जोड़ेंगे और जीतेंगे। हाँ, और जेल चले गए तो तपस्या करेंगे। उनकी लड़ाई जनता लड़ेगी? जेल वालों की लड़ाई चचा हमेशा आवाम ने ही तो लड़ी है। क्या कह रहे हैं, मामला मोदी सरनेम का था? नहीं चचा, कानूनी हिसाब से जरूर मामला मोदी सरनेम का था, लेकिन पॉलिटिकल हिसाब से मामला गांधी सरनेम का है। हाँ, असल में हर झूठा नफरती लुटेरा और तानाशाह गांधी से डरता है। एक गांधी लड़ा था गोरों से, एक लड़ रहा है चोरों से। अरे नहीं, सोच रहे हैं कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर लिया है, लेकिन जानते नहीं कि वो बाप है। बाप है मतलब अभिमन्यु नहीं है, उसका पिता अर्जुन है, चक्रव्यूह को भेदना जानता है। और लड़ाई शुरू है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में सभी योद्धा इकट्ठे हो गए हैं, और पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया है, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसलिए उठो अर्जुन, युद्ध का निश्चय करो। तो बस आप भी उठिए, क्रोनोलॉजी समझिए, सेफोलॉजी समझिए, साइकोलॉजी समझिए, लेकिन सिर्फ समझिए नहीं, समझाइए। और ये जो इस देश के लोकतंत्र और गणतंत्र को बचाने का ये जो युद्ध है, जो शांतिमय लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके का युद्ध है, उसमें शामिल होइए। शुक्रिया।